हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीति सिंगिंग शेफ़। आज हम टेस्टी कर्ड सैंडविच बनाने जा रहे हैं, जिसकी मेथड मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमको दही को एक छन्नी में, स्ट्रेनर में, एक रुमाल बिछा के या कोई भी लिनन का कपड़ा बिछा के उसको हमको छानना है। दही को कोशिश करें कि फ्रेश दही हो और आपका फ्रिज में रखा हुआ हो, तो वो थिकनेस होगी उसमें। अब इसका सारा पानी निकाल लेंगे इससे, और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए बांध के अच्छे से और लटका के। मैं तो इसको फ्रिज में ही रख देती हूँ, ऐसे लटका देती हूँ, ऊपर वाले शेल्फ में इसको रख देते हैं किसी हैवी चीज़ से, और नीचे ये इसका पानी पूरा आता रहता है इसमें। ये देखिए, ऐसे करके मैं रख देती हूँ। और अब इसके बाद हमको इसके लिए चाहिए ब्रेड, जिसके मैंने ये साइड्स निकाल लिए हैं। ब्रेड कॉर्नर निकाल लेने से ये बहुत सॉफ्ट बनता है। ये देखिए, ये मैंने ऐसे इसके कॉर्नर्स निकाल लिए हैं। अब इसका काफ़ी सारा पानी पहले निकल चुका था, पर फिर भी मैंने इसको और अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। ये देखिए, ये अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मतलब जितना इसमें मॉइस्चर चाहिए उतना है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे छेनी की तरह निकलता है। ये हमको ऐसा ही इसके लिए चाहिए, पेस्ट जैसा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और इसके बाद मैंने कुछ इसमें नमक थोड़ा सा ऐड किया है, और मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं यहाँ पे। ये देखिए, आपके पास जो भी वेजिटेबल हो, मैंने यहाँ शिमला मिर्च, गाजर और कैबेज रखा है, और मेयोनीज सॉस भी इसमें मैंने ये अभी बनाया है, तुरंत बिल्कुल फ्रेश है, तो वो भी ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए, ये मैंने इसमें शिमला मिर्च, गाजर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है ये मैंने हटा दी है, और कैबेज ये ऐड कर लिया मैंने इसमें। इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये बहुत इसमें अभी भी पानी निकल सकता है। और मैंने गाजर को भी थोड़ा सा हाथ से दबा के उसका पानी निकाल लिया था। अब ये मैं 3 से 4 चम्मच, मैंने जो ये मेयोनीज बना के रखा था वाइट सॉस, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए, इसमें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं ये 1 चम्मच और ले रही हूँ इसमें। ये देखिए, अब ये खूब अच्छा क्रीमी हो गया है। अब मैं इसमें ब्रेड में डायरेक्ट लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर लगा सकते हैं, पर ये ऑलरेडी इतना क्रीमी है, इसमें बटर की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैंने लगा लिया इसमें अच्छे से। अब इसके ऊपर आप एक और ब्रेड ऐसे ही रख दीजिए और इसको कट कर दीजिए बीच में से। ये मैंने इसको कट कर दिया है। अब ये फ्रेंड्स इतना टेस्टी होता है कि इसमें हमको अलग से ना सॉस ना चटनी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, पर ये बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपको उसमें सॉस या चटनी चाहिए, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको कट कर दिया है, और ये सैलेड से मैंने इसमें सीजनिंग कर दी है। ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी अच्छी कलरफुल लग रही है ये कर्ड सैंडविच। आप
इसको ज़रूर से बनाइए। और मेरा चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, इन्जॉय इन्जॉय योर डे। थैंक यू।